बूथ कैप्चरिंग की ये वायरल तस्वीर बेहद हैरान करने वाली है। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि जेडीयू के ललन सिंह के चुनाव चिन्ह तीर पर एक महिला की उंगली पकड़कर जबरन वोट डलवाया जा रहा है। ललन सिंह का नाम साफ दिख रहा है और तीर का निशान भी दिख रहा है, साथ ही ईवीएम। बूथ कैप्चरिंग की ये वायरल तस्वीर बेहद हैरान करने वाली है। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि जेडीयू के ललन सिंह के चुनाव चिन्ह तीर पर एक महिला की उंगली पकड़कर जबरन वोट डलवाया जा रहा है। ललन सिंह का नाम साफ दिख रहा है और तीर का निशान भी दिख रहा है, साथ ही ईवीएम की लाल बत्ती भी नजर आ रही है। ये लाल बत्ती तभी जलती है जब वोट डाला जा चुका होता है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर एक वानगी भर है। आरोप लगाया गया है कि मुंगेर के लखीसराय इलाके में बूथ संख्या 333, 334, 339 और 340 पर ही वो आग बबूला हो गए और हंगामा करने लगे। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पत्रकार की पिटाई की, कैमरा तोड़ डाला और जान से मारने की धमकी दे डाली। हमारी नज़र कुछ पुलिस वालों पे पड़ी, हम उनसे अकेले बात करने लगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सबको कहा है सर, एसपी को कहा, डीएसपी को कहा, सबको कहा, डीएम के पास, लेकिन कोई यहाँ नहीं आ रहा है। यहाँ बहुत अच्छे से बूथ मैनेज है और यहाँ जो मंत्री हैं ललन सिंह वो कैंडिडेट हैं, उनके लिए बूथ पूरी अच्छे से मैनेज किया गया है। फिलहाल ये तस्वीर कैमरे में कैद है और उम्मीद है कि चुनाव आयोग जांच पड़ताल के बाद जरूरी कदम उठाएगा। सौरभ कुमार, मुंगेर, न्यूज 24।